very good morning students how are you all i hope you all have enjoyed your summer vacations at home learned something new during these holidays but first let me introduce myself some of you must have recognized my voice yes it's kamna ma'am here you must be surprised that why I am taking your social science class, but children, during these online classes, I will be taking your social science. Few of the chapters from your social science book. But first, let me tell you, do all of you have bought your books? Because now, we will be needing our books, especially social science book during our sessions during first session in april there were no social science classes for you but now in july during this second session we will be starting our studies in earnest at that time we thought that during july the schools will reopen but now as corona continues schools and colleges are still shut down so we are supposed to take online classes so during these classes i will be taking some of your lessons from your social science book so i hope you all have bought your social science book you all know that the book is divided into three chap three parts history geography and civics today इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन सेशन फॉर यू वी विल स्टार्ट आ सोशल साइंस क्लास विथ यूनिट सेकेंड दैट इज जोग्रफी जोग्रफी दिस ईयर वी विल बी रीडिंग अबाउट रिसोर्सेज इस साल जब हम सोशल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे जोग्रफी पार्ट से जोग्राफ़ी जो कि आपका सेकेंड यूनिट है वहाँ से हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड योर लेसन मैं आपको लेसन पढ़ाऊँगी यहाँ पर अच्छे से समझाऊँगी जब मैं पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम्स है क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो एक अलग माहौल होता है एक अलग एटमॉस्फेयर होता है लेकिन यहाँ हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं यू कैन ओनली हीयर माई वॉइस सो यू नीड टू हेयर प्रॉपरली ध्यान से सुनिए जब मैं आपको लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा लेसन एक्सप्लेन होगा फिर आपको पता ही है कि हमें बैक जो लेसन के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो आंसर करने होते हैं तो अगर मैं जब लेसन समझा रही हूँ और आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चन देखो बच्चों नाउ यू आर इन एर्थ क्लास एंड एर्थ क्लास मीन्स द हाइएस्ट क्लास इन अपर प्राइमरी सेक्शन या जैसे हम मिडिल सेक्शन कहते हैं अब आपको थोड़ा बहुत अपने आप काम करने की आदत डालनी पड़ेगी क्लास में यू कैन ईजीली आस्क योर टीचर लेकिन अभी हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है टीचर्स लेसन क्या पढ़ा रहे हैं बुक्स हैं आपके पास सबसे पहले तो इन्श्योर दैट यू ऑल हैव योर बुक्स रेडी इन फ्रंट ऑफ यू क्योंकि अगर लेसन सामने नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो अपनी बुक रेडी रखिए जब लेसन समझा रहे हैं टीचर उसे ध्यान से समझिए और फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए आंसर करना क्योंकि आंसर क्वेश्चन भी हमारे बुक में है और उसके आंसर भी लेसन में ही दिए हुए हैं ये दिस यू ऑल नो सो कमिंग बैक टू आवर बुक एज आई सेट वी विल बी स्टार्टिंग विथ जोग्राफी एंड एज यू कैन सी जोग्राफी में क्या टॉपिक पढ़ेंगे इस साल हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट रिसोर्सिज वट यू यू मीन बायोर्स है ना कैन एनी बटी टेल मी यर येस रिसोर्स मीन्स एनी थिंग दैट इज अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट जो हमारी नीड्स को सेटिसफाई करता है जो हमारी ज़रूरत को सेटिसफाई करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं देखो बच्चों वी ऑल आर लीडिंग अ वेरी कम्फर्टेबल लाइफ एंड यू नो हु इज एट द बैक ऑफ ऑल दीज कम्फर्ट्स ये जो आराम का जीवन हम जी रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है सबसे बड़ा हमारी नेचर का हमारी इस मदर अर्थ का कितना कुछ है जो ये नेचर हमें दे रही है एंड दैट यू नो फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर इज चार्जिंग नथिंग फ्रॉम अस सब कुछ एक छोटी सी पिन से लेकर आपकी बुक आपके क्लोथ्स आपका फूड आपके व्हीकल्स हाउस जो कुछ भी कंफर्ट आप इंजॉय कर रहे हो आज ये सब हमें कौन दे रहा है नेचर दे रही है नेचर से जो कुछ भी हमें मिल रहा है एंड दैट टू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शुरू से जब से अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई है नेचर हमें बहुत कुछ दे चुकी है एंड कंटिन्यूसली वी आर टेकिंग फ्राम नेचर तो ये सब जो कुछ भी हमें नेचर से मिल रहा है दैट इज़ रिसोर्स इसके डेवलपमेंट प्रोसेस हम पढ़ेंगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और स्पेशली जो हम अपने कंट्री के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के नेचर के बारे में जैसा कि आप जोग्राफी में आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट पढ़ी होगी फिजिकल फीचर्स पड़े होंगे इंडिया के कहीं माउंटेन है कहीं लैंड है कहीं प्लेन्स है आइलैंड्स हैं हाँ ये सब पढ़ा होगा वो सब हमें क्या क्या दे रहे हैं वो यहाँ हम समझेंगे अब एट्थ क्लास में आकर ये जो नेचर हमें दे रही है हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं हम उसको पहले अपने यूज़ में लेने लायक बना रहे हैं देर इज़ अ प्रोसेस गोइंग ऑन वट एवर नेचर गिव्स अस इज़ इन रॉ फॉर्म कच्चे फॉर्म में होता है रॉ है ना कच्चा माल जिसको कहते हैं और उसके बाद वेन वी टेक दैट रॉ और जिसे भी कहा जाता है वेन वी टेक दैट फ्रॉम नेचर वी कन्वर्ट इट इन टू दैट प्रोडक्ट विच वी कैन यूज़ वो भी यहाँ हम समझेंगे ये एक पूरा प्रोसेस होता है आप में से कोई कच्चा गेहूं खा सकता है नेचर तो हमें कैसे दे रही है वीट इन रॉ फॉर्म वी कांट ईट वीट इन रॉ फॉर्म देन व्हाट डू वी डू वी कन्वर्ट दैट वीट इन टू फ्लोर पहले हम एक मशीन एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उस वीट को कन्वर्ट करते हैं किसमें आटा फ्लोर में फिर एक प्रोसेस होता है उस फ्लोर को कुक करने का इन द फॉर्म ऑफ चपाती और ब्रेड एंड देन वी कंज्यूम दैट चपाती और ब्रेड तो ये प्रोसेस हुआ ना देखो बच्चों नेचर ने हमें रॉ फॉर्म में दिया लेकिन दिया तो किसने नेचर ने एवरी थिंग दैट वी आर गेटिंग इज फ्रॉम नेचर इन वन और दी अदर फॉर्म वो क्रॉप्स के रूप में हो सकता है बाई डूइंग एग्रीकल्चर वो मिनरल्स के रूप में हो सकता है मिनरल्स uh, में से देन वी आर टेकिंग आउट मेटल्स आयन है गोल्ड है सिल्वर है लेड है बहुत सारे मिनरल्स मेटल्स उन मेटल्स की प्रोसेसिंग करके फिर हम उससे अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं तो दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ईयर इन जोग्राफी तो हमारी लाइफ को अगर कंफर्टेबल रखना है तो इन रिसोर्सेज की बहुत इम्पॉर्टेंस है और आई थिंक लास्ट टू थ्री मंथ्स ने हमें एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी है कि सिर्फ नेचर से लेना नहीं है वी नीड टू सेव दैट नेचर ऑल्स नेचर बहुत कुछ हमें दे चुकी है बट नाउ इट इज़ आर टर्न ूमन बींग्स टर्न टू कंजर्व दैट नेचर और ये हम ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ तो ये जो हमारा चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये हमें हमारे इंडिया के रिसोर्सेस के बारे में बताएगा और तुम्हें एक बात पता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स resource है रिसोर्सेस तो हैं ही जैसा ए क्रॉप्स मिनरल्स मेटल्स सो मैनी थिंग्स दैट वी आर गेटिंग नेचर बट जो सबसे बड़ा रिसोर्स है कौन है बता सकते हो वी एज ह्यूमन बींग्स नेचर जो हमें इतना कुछ दे रही है वो आगे हो के नेचर डजेंट हैंड्स जो अपने अर्थकृष्ट में से निकाल कर एंड हैंड्स ओवर टू अस ये नेचर से ले कौन रहा है ह्यूमन बीइंग अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होता तो ये सब चीज़ें नेचर में पड़ी रहती जब ह्यूमन बीइंग नहीं था अर्थ पर तब ये कुछ भी नहीं था है ना चारों तरफ दे फॉरेस्ट एंड वाटर एंड ओशंस एंड एनिमल्स लेकिन जो कुछ भी नेचर में हैं उसे रिसोर्स किसने बताया तब तक वो नेचुरल चीज़ें थी विद इन अर्थ क्रस्ट लेकिन उन अर्थ क्रस्ट में पड़ी हुई चीज़ों को मिनरल्स को मेटल्स को यूज़ेबल किसने बनाया इम्पोर्टेंट किसने बनाया ह्यूमन बीइंग ने इट वॉज ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन माइंड जिसने इन सब चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें हैं उसे अगर रिसोर्स बनाया तो किसने बनाया ह्यूमन रिसोर्स ने ठीक है तो हम ये भी समझेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है ह्यूमन बींग ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमन स्किल ठीक है तो दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट आई हैव गिविन यू वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों उसके बाद एक बार लेसन की जब आप अच्छे से रीडिंग करोगे मैं भी करूँगी मेरे साथ साथ आप भी करोगे जब हम मिलकर रीडिंग करेंगे तो समझ में आएगा और उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर गिवेन इन योर बुक तो वो तो आप ही को करना है मैं नहीं बताऊंगी आंसर्स। सी यू नीड टू फाइंड आउट ऑफकोर्स जो नहीं आएगा आई एम देर टू हेल्प यू बट दिस ईयर एट्थ क्लास है भाई दिस ईयर यू हैव टू स्टडी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लेसन भी समझ में आए और इजीली आप उसको आंसर कर सकें ओके चिल्ड्रेन सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्ट्री लेसन इंट्रोडक्टरी सेशन दैट आई हैव गिविन यू हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टिल दीज ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको चैप्टर समझाने की आ? कोई भी डिफिकल्टी हो विल सी वॉट वी कैन डू लेटर मैं कोशिश करूँगी सब लेकिन पढ़ाई पर तो ध्यान देना पड़ेगा सोशल साइंस नया सब्जेक्ट है जो आप ऑनलाइन समझ रहे हो रेस्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ड्यूरिंग अप्रैल, तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम अपने चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे जो कि आपको समझने में भी ईजी हो जाएंगे फाइन चिल्ड्रेन सो टमोरो विल बी मीटिंग विथ आ सोशल साइंस बुक एंड यूनिट सेकेंड जोग्राफी और कौन सा चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट Till then, goodbye and keep studying.